रीवा में हाल ही में अनुपयोगी बोरवेलों में मासूम बच्चे के गिरने की घटना को देखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में अनुपयोगी बोरिंग को बंद करवाए जाने के संबंध में निर्देश दिए। वहीं इन निर्देशों के परिपालन में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिले में अभी तक अनुपयोगी 31 बोरवेल बंद करवाए गए हैं। वहीं जिला पंचायत द्वारा भी पिछले दिनों समीक्षा बैठक कर जनपद पंचायतों को क्षेत्र में सूखे बोरवेल के सुरक्षित होने का स्थल सत्यापन करने के लिए निर्देशित किया गया था। निर्देशों का पालन में इंदौर जिले में दल द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सूखे बोरवेल का मौका निरीक्षण कर खुले पाए गए बोरवेल बंद करवाने की कार्रवाई की गई। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बोरवेल मालिक निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो ग्रामीणों की जानमाल के लिए खतरा उत्पन्न करने के लिए दोषी बोरवेल मालिक के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण भी दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ, हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है और धारा 144 का आदेश भी जारी किया है। अगर इस प्रकार से कहीं किसी प्राइवेट जगह पर मिलेगा तो उसके खिलाफ FIR भी कराई जाएगी। सीओ जिला पंचायत के द्वारा भी अपने इंजीनियर्स के माध्यम से ऐसी जगहों का आइडेंटिफिकेशन फोटो मंगाकर उनकी मॉनिटरिंग शुरू करी गई है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा एक भी बोरवेल ना रहे। बहुत जल्दी हम लोग इस संबंध में ये भी लाने वाले हैं कि अगर कोई इस प्रकार से खुले बोरवेल की जो अनुपयोगी है सूचना प्रदान करता है तो उसको कुछ इनाम राशि भी देंगे, जिससे कि हमें ऐसी जानकारियां हम तक बहुत जल्दी से पहुंचे। बराला प्रशासन ने तय किया है कि इस तरीके से खुले बोरवेल की सूचना देने वालों को उचित इनाम भी दिया जाएगा ताकि इसकी सूचना समय रहते मिल सके। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।